जब 8,000 शादियां एक ही दिन में हो ना तो ये कंफ्यूजन जरूर होती है। बेटे की शादी है, शुभम की शादी है। बेटा इधर पर बाबा जी को। जय बाबा जी। छुपा छुपा छुप को प्रणाम करना चाहिए ना बेटा। गल की तला हम लोग गुद्दी गल की तला हमको हमारे छाप में भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। पापा कहें पापा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। अपनी पोती को आज विटामिन डी का दे रहे हैं। अभी छुपा छुपा विटामिन डी का क्या दे रहे हैं? डोज विटामिन डी। विटामिन डी का तो दवा तो देते ही है, लेकिन थोड़ा धूप लगा देते हैं कि ठीक रहता है बच्चे को। आज उठ गई थी तो बोले कि चलो टाइम पे दिलवा दे। और वैसे भी दो तीन और मैं भी जा रही हूँ अपना विटामिन ई लेने। क्या कॉफी? सारे बच्चे इधर ही हैं। सारे आज जाना है शादी में। शादी में जाना है तो देखते हैं कैसा। पहले बाबू की तबीयत ठीक रहेगी, तबीयत ठीक रहेगी तो जाएंगे। ओके तो है कि आगे आगे मेरी छोर से गर्मी लगता है ना तो ऐसे ऐसे सर करती है। मेरी छोर पली है छोर के। इन लोग को बताऊं मैं आज कैसे व्लॉग बनाते हैं। कर रही हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो। पति कहाँ है आपके? ऐ पति, ओ पति देव, ओ पति देव, इधर आइए। तो इधर आइए तो आप यहाँ है नहीं। इधर आइए, थोड़ी थोड़ी है, इधर आइए थोड़ी हो। इधर आइए तो, इधर आइए तो आओ। मुझे लगा इधर आइए, दोनों के दोनों इधर सामने खड़े हुई है। हाँ इधर सामने खड़े हुई है शिक्षा से। नहीं एक मिनट एक मिनट, अभी लेट हो गया व्लॉग डालने में 12 बजे से पहले। इधर तो नहीं, इधर इधर पीछे छुपने की जरूरत। डैडी एक मिनट सुनिए, शादी में है और उस अभी अभी तक क्या हो रहा है दोनों का? मैं देखो क्या क्या कर रही हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये कल क्या बोल रहा है पता है? नहीं नहीं अभी क्या आवाज सुनाई दे रहा है? बेचारे का सब सूट टाइट हो गया। अभी अंदर से क्या आवाज आई जा रही है? बाबू कंबल में जाएगी तो कंबल में जाएगी। कंबल में नहीं जाएगी बाबू का ड्रेस इतना मोटा खरीदे हुए है, पिंक वाला जो है उसी और इनर डालेगी, वॉलवेट वाला थोड़ा देर पहनेगी और दूसरा उसके ऊपर से स्वेटर डाल देंगे जैसे ठंडा पड़ेगा तो। किस लिए कंबल में और रजाई लेके जाए तो ऐसा करता है, रजाई लेके पड़ता है। हाँ कश्मीर में लोग नहीं रखता है इधर, यहाँ पे कुर्सी रखने रहता है गर्दन में लगे अंगीठी जला के। हाँ अंगीठी जला के वैसे ही लेके जाते हैं। चलो चलो जल्दी तैयार हो, टाइम ज्यादा नहीं है, 12 बज चुका है। मेरा तो कहना था जैसे बाबू के लिए रूम गरम करते ना आज हमारे कोठे पे जला के, माँ अभी स्टेज के सामने ही करेंगे। आंटी देखती है वीडियो, देख लेना। कोई बात नहीं आंटी कर देखेगी ना, तब तक तो मैं गायब हूँ। एक महीने के बाद दिसंबर में इसी तरह मैं ये थी, पजल थी। शुभम की शादी, शुभम की शादी। दूसरे के यहाँ के शादी में आदमी पार्लर चला जाता है, अपने यहाँ के शादी में। शादी में जाने के लिए हम लोग हो चुके हैं तैयार। बड़े मुश्किल से कोट पैंट आया है। अच्छे से तो लोग किसी का भी नहीं आ रहा होगा। थोड़े देर रुक जाइए, थोड़े देर मतलब 1-1.5 घंटा हमारे लिए, 1-1.5 घंटा आपके लिए। थोड़े जाइए, 5 मिनट के बाद कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं सारे लोग आएंगे, हो जाएगा यहाँ पे। 1 घंटे के बाद हम लोग मिलेंगे। 1 घंटे के मतलब आप लोग के लिए तो 7 सेकंड बोल रहा था। 7 बजे वहाँ पहुँचना होता है, जिनके वहाँ जा रहे हैं वो भी इंडियन है। बारात 7 बजे लगा देंगे वो। नहीं 7 बजे बारात तो कभी नहीं लगी, मेरी खुद की बारात 11 बजे लगी थी। एक बार हो चुका है हम लोग के साथ, मैं और हम लोग लड़के वाले। ओके ओके पहले पहुंच गए, लड़की वाले नहीं पहुंचे। हम लोग फिर लड़की वालों का इंतजार करते। ये शगुन की कहानी तो नहीं है? नहीं। अच्छा थैंक गॉड। मम्मी के कोई रिलेटिव थे, उनकी शादी में गए थे। बारात पहुंच गई, वॉचमैन आके पूछता आप लोग कौन। थैंक गॉड अभी ऐसा ना हो कि हम लोग पहुंचे और बारात जा चुकी हो। क्या हो गया? तो भाई लोग देख लीजिए। हाँ जी इतना भी लुक मत दिखाओ, ठंडी लग जाए। कितनी भी सर्दी हो भाई, लेडीज का हमेशा स्वेटर नहीं चढ़ेगा फैशन के आगे में। चश्मा नहीं दूंगा। अच्छा चश्मा मांग रही थी। अच्छा अच्छा ले ले। तो पहुंच गए हम लोग भी शादी में और टाइम से वैसे 1 घंटे लेट है, ज्यादा भी लेट नहीं है। बेला आ इसी के आगे है। बेल मुंडे बेला मुंडे है, मैं जानबूझ के बेल मुंडे बोले। मास्क का ये है नहीं, ये द निकुंज है।
जब 8000 शादियां एक ही दिन में हो ना तो ये कंफ्यूजन जरूर होती है, पता ही नहीं चल रहा है किसकी शादी में जाना है, कहाँ पे है। तो फाइनली पहुंच ही गए स्टेलर। स्टेलर माय ओनली टेंट। Thank you.
आवाज में तो काफी बुलंद आवाज में बोलूंगी तब सुनाई देगा, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की शादी है, शुभम की शादी है, तो एक शुभम की शादी लास्ट टू लास्ट ईयर 17 में हुई, दूसरी शुभम की शादी अभी हो रही है, तो काफी अच्छा लगा और इतना एंजॉय हम लोग कर रहे हैं कि पूछिए मत, बस आप लोग साथ में एंजॉय करते रहिए।